दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड में सुंदरता की बात करें तो मधुबाला जी पहले स्थान पर आती हैं। मधुबाला जी, उनकी सुंदरता का लोहा पहले भी जो उस दौर की हीरोइन थी मानती थी, और आज भी वो पहले स्थान पर ही आती हैं। उनकी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण था उनकी कभी ना भूलने वाली, दिल को छू जाने वाली और क्यूट, बहुत ही क्यूट स्माइल। उसके बाद दौर आया माधुरी दीक्षित, वो भी अपनी सुंदरता के लिए और अपनी स्माइल के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है रेणुका साहनी। हम आपके कौन मूवी जो कि काफ़ी हिट रही थी, उसमें माधुरी दीक्षित जी का जो बड़ी बहन थी उनका उन्होंने रोल किया था, और वो भी अपनी स्माइल के लिए जानी जाती हैं। और दोस्तों, स्माइल चाहे एक्ट्रेस की हो, किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी की हो या आम आदमी की, स्माइल तो स्माइल होती है। और कहते हैं हंसता हुआ इंसान बहुत अच्छा लगता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अगर आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी हंसी, खुशी और स्माइल का कारण, उसके पीछे का सबसे बड़ा हाथ होता है डेंटिस्ट का। जो डेंटिस्ट हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमें समय समय पर हमें गाइड करते हैं, हमारा जो अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि भगवान हर जगह जाकर के इलाज नहीं कर सकते, रूट कनाल नहीं कर सकते, डॉक्टर रूट कनाल नहीं कर सकते पूरे देश में जा जा करके। इसलिए भगवान ने अपने रूप में डेंटिस्ट को बना दिया, डॉक्टर्स को बना दिया। अब तो दोस्तों, आज मैं मिला डॉक्टर रवप्रीत से। डॉक्टर रवप्रीत जो कि BDS हैं, MDS हैं और रूट कनाल कैनाल स्पेशलिस्ट हैं। स्वास्तिक डेंटिस्ट्री के नाम से उनका क्लिनिक है, सेक्टर 31 में, ओम स्वीट्स के जस्ट अपोजिट जो मार्केट है, बिल्कुल 31 सेक्टर की जो मार्केट है गुड़गांव में, उसके बिल्कुल सामने स्वास्तिक डेंटिस्ट्री के नाम से है। और डॉक्टर रवप्रीत हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि मैडम से जो बात करते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जब वो डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ, तो पेशेंट आधा ठीक वैसे ही हो जाता है। ऐसी हैं डॉक्टर रवप्रीत। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर रवप्रीत से और उनकी सलाह मशवरा जो हमारे लिए बताते हैं, वो ध्यान से सुनना और मानना भी। और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे फॉलोअर्स मेरे फ्रेंड लिस्ट से आपके पास आए, उनको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाए। कभी कभी see, because you are having like a lot of chocolate, so you got a small cavity on the top. You need to do that. Okay, so it just started. अभी शुरू हो चुकी है, अगर आप उसको ठीक से ब्रश करोगे तो बढ़ेगी, लेकिन आप ब्रश नहीं ठीक से करोगे तो आपको तो डेफिनेट होगा। ठीक है, तो आपको क्लीनिंग अपने अच्छे से करना है, सुबह ब्रश करना है, रात को सोने से पहले करना है, बाहर खाने का रेस्ट करना है। ठीक है, और अच्छे से यहाँ को ब्रश ऑल अराउंड, ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आपने ब्रश करना है। क्या मैम, रात को जैसे चॉकलेट खा लेते हैं बच्चे, तो ब्रश ब्रश इज मेंटेन, अगर नहीं करोगे सारे बैक्टीरिया के मुंह में ही रहेंगे और सब आपके दांतों को खराब कर देंगे। ठीक है, सो प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू हैव टू ब्रश ट्वाइस इन दैट वन इज इनफ। ठीक है, और जितना मीठा कम खाएंगे उतना बेटर। ठीक है, बिकॉज अभी आप बड़े हो चुके हैं बट ऑल द परमानेंट टू, तो आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके बाद दाम नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके, जो चीज आप प्रेस से नहीं कर पाते हम आपको कुछ लोग स्केलिंग के लिए थोड़ा सा ना डाउटफुल रहते हैं,
कि उससे दांतों का वो लेयर खत्म हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एनामल नहीं हटता है आपके स्केलिंग से, इसको एवरी 6 to 8 मंथ से कराना चाहिए, बिकॉज ये जस्ट एक हाइजीन का प्रोसेस है और इट्स अ वेरी सेफ प्रोसेस एंड एवरीवन शुड गेट इट, ताकि जो आप ब्रश से नहीं निकाल पाते हम अपनी स्केलिंग से निकाल देंगे। 6 to 8 मंथ में करते रहना चाहिए, इट इज मैंडेटरी, एवरीवन शुड गेट इट। डॉक्टर साहब, मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो मेरे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा। ओके, आई एम डॉक्टर राप्रीत, आई एम बेसिकली अ रूटीनल स्पेशलिस्ट एंड आई वॉट माई प्रैक्टिस इन सेक्टर 31 गुरुग्राम, इट्स इन द मेन सेक्टर, सो लाइक व्हाट एवर इश्यूज यू हैव रिगार्डिंग द ट्रूथ आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके मैम, ये ओम स्वीट्स के सामने है जो 31 की मार्केट है, और आधा जो पेशेंट है वो मैडम उससे जब बात करती है, मैम जब जब बात करती है उनके बारे में बताते हैं तो आधा पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाता है। Don't worry, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत अच्छे से केयर करती हैं मैम। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट।